अच्छा जी, मेरे बेटे के जो है ना पेपर्स हो रहे हैं, तो मेरे बेटे को उसकी मिस ने पता नहीं क्या वो ग्रिप पेंसिल बताई है, वो मैं दिलाने के लिए मार्केट में लेके जा रही हूँ। और ये जो है ना न्यू ड्रेस मैंने पहना है पर्पल कलर का, इसके साथ पर्पल इस कलर में जो है ट्राउज़र है प्लेन, और उसी के मैचिंग के जो है ना ये मैंने इयररिंग्स पहने हैं। तो थोड़ा फ्रेश होके नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने सोचा कि मैं जो है अपने बेटे को वो ग्रिप पेंसिल कोई मार्केट में आई है न्यू, वो कहते कि राइटिंग में बहुत हेल्प करती है, तो वो मैं अपने बेटे को दिला दूंगी ले जाके अभी। और फिर आके जो है वो फिर मैं थोड़ी सी स्टडी अपने बेटे को करवा लूँगी, सब काम ख़त्म हो जाएंगे, फिर सब रूम से चाय पीऊँगी बैठ के मैं। वहाँ पर मैंने बाज़ार का लिया है दाल चावल, क्या क्योंकि पार्लर जाना था सर्विसेज के लिए, तो मैं अभी रेडी हो रही हूँ। पहले मैंने अपने बेटे को शावर करवाया, अभी जो मैच हो रही मेडोरा की लिपस्टिक जो है ना ये शेड है, शेड का नंबर नंबर जो है ना ये देखें इसका, ये गुम हो गया है, ये इतनी लाइट बल्बल सा शेड है। ये ड्रेस पहना था मैंने आज, रेडी हो गई हूँ और अब मैं जल्दी से जो है ना फॉलो हुआ हूँ, क्योंकि मुमताज बाजी आने वाली है मेरी हेल्पर, तो पहले जो है मुझे सिल्क का ड्रेस सही होता कोई चीज में, और इस वो कलर की प्लेन जो है सलवार है इसके साथ। फेस पे लग गया, यहाँ से हो गया था इस एरिया से, तो इन्होंने क्लीन कर दिया, बाकी तो इससे ब्लीच लगाया है। क्लीनिंग चल रही है, मुमताज बाजी आज लेट आई थी और मेरे चेहरे से लग रहा होगा आपको तो थकान हो गई है। यहाँ पे मुमताज बाजी ने बेडशीट भी छा दी है, अभी और अभी बेड टुकी वगैरह जो है बेड कवर उसमें चेंज कर दी, बहुत नीचे उतरा बेटा अभी तो बेड सेट भी नहीं हुआ, तुम खराब कर रहे हो। और बेड बिछ चुका है, बेड सेट हो चुका है, मुमताज बाजी कर रही है क्लीनिंग, बेडरूम की सफाई चल रही है। मान नहीं करो, और मैंने अपने बेटे के सर में ऑयलिंग की, इसको शावर कराया, सारे काम हम ख़त्म कर लिए। अभी इसका पेपर है, इसको पढ़ाई करानी है, और इतना बर्डन होता है हम मॉम से जब तक बच्चों के पेपर्स चल रहे होते हैं। आप मेरी हालत देखें, चेहरे से लग रहा होगा टेंशन, पढ़ाई करवाना, असल में एक्चुअली इसके रिटर्न पेपर शुरू हो गए ना इस वजह से। हट जाओ तो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं फ्रेंच टोस्ट बनाने जा रही हूँ, या मीठा टोस्ट कह लें, और अंडा नहीं डालूंगी कि स्मेल आती है, अंडे के बगैर बना रही हूँ। उसमें मैंने वनीला एसेंस डाला है, चीनी डाली है, अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी, और मिल्क के बाद जो है ये थोड़ा सा ऑयल भी, क्योंकि मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी तो ऑयल में इसी में ऐड कर दूंगी, ठीक है। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके और ब्रेड डिप करके और एयर फ्रायर में जो है ना बना लूँगी। कभी आप बगैर अंडे के बना के देखें, बहुत मज़े के बनते हैं, अंडे वालों में ना बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है।
बैटर रेडी हो गया। बैटर को जो है मैं ये एयर फ्रायर में रखता हूँ ब्रेड को। में दो स्लाइस आएंगे, ले लिया। अब इसमें मैं नाश्ता लगाऊंगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि संडे का नाश्ता बन रहा है तो फिर जरा मज़ा आता है बनाने में। ये न्यू इस फर्स्ट टाइम जो है ना ये मैं ट्राई कर रही हूँ, हरीफ वालों का बटर बहुत ही टेस्टी है। मतलब मैं कभी भी इतना ब्लू ब्रांड के अलावा नहीं खाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने नया ट्राई किया तो मज़ेदार है। फ्राई में फ्रेंच टोस्ट बन के रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं मज़ेदार क्रिस्पी लाल लाल। क्या जबरदस्त फ्रेंच टोस्ट तैयार है। चाय रेडी हो गई है, चाय को मैं स्मोक में निकाल लेती हूँ। हैं यहाँ पे, और अब इसके बाद ये पराठे जो है ना हाफ डन करके मैंने रखे हैं, ये भी मैं इसमें लगा दूंगी। ऑयल लगाया है इनको, पराठे भी क्रिस्प हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये देखिए पराठे हम यहाँ रख देते हैं, ये रात में मैंने बेल के रखे थे, अब ये रेडी हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा जो है बटर लगा लेंगे। गरम गरम बटर रख दिया, पराठा भी हमारा रेडी हो गया है पक्के, ये भी हम यहाँ रख देंगे और इस पे थोड़ा सा बटर लगा देंगे हम पराठे पे। एज यू कैन सी, ठीक है। और ये देखिए भाई मेरा संडे का जो है ना ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया, मेरा और मेरे बेटे का, हम दोनों का। ये देखिए हाँ हाँ हाँ, ये सिंपल ब्रेड बटर है, फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं मैंने एयर फ्रायर में, पराठे एयर फ्रायर में, ये रात में रोटियां बेल के रखी थी वो फ्राई कर ली हैं हम लोगों ने, बटर देखी है वाह हाँ हाँ हाँ। और ये चाय का भरा हुआ मग, इसके बगैर नाश्ता नामुकम्मल है। भाप निकल रही है चाय,